किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास के अंदर जो निरंतर तेजी बनी हुई है, वो दिवाली और दिवाली के बाद भी 10,000 पार जाने की पूरी इसकी संभावना है। हम आंकड़ों से बात करेंगे, हमारे पास पुख्ता आंकड़े हैं वर्ल्ड वाइड कि इसमें तेजी का कारण क्या है, संपूर्ण इस पर बात करेंगे। तो मैं हूं एलआर चौधरी, आप देख रहे हैं खेती डिस्कवरी। किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसान भाइयों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें ताकि अन्य किसान भाइयों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, देश की कपास मंडियों में बीटी नरमा और देसी कपास के भाव में तेजी का वातावरण लगातार गर्म हो रहा है। घरेलू मांग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग बढ़ रही है। भारतीय कॉटन की मांग ने बाजार को और मजबूती दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में चीन की बड़ी आयात मांग से बाजार में और तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसकी चीन लगातार मांग चीन में है जो बढ़ती जा रही है। देश की लगभग सभी मंडियों में पहली अक्टूबर से आरंभ हुए सीजन में पहली बार लॉन्ग स्टेपल कॉटन का भाव लगभग 1,000 रुपये तेज खुला और तब से लेकर अब तक लगभग 16% हाजिर बाजार तेज हो चुका है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन के प्रति कैंडी 356 किलोग्राम 63,600 से 63,650 के स्तर तक जो है पहुँच कर बाजार कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कॉटन वायदा बाजार में लगभग तेजी देखी जा रही है, जिसका कारण चीन की आयात मांग मजबूत होना बताया जा रहा है, क्योंकि चीन में इसकी जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार भारत के अंदर भी काफ़ी फसलें, कॉटन की जो फसल है कई जगह खराब हुई है, लेकिन विदेशों में बहुत जगह खराब हो चुकी है और चीन भी इस चीज़ में शामिल है। चाइना में भी कॉटन का नुकसान हुआ है, जिस कारण चाइना की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अत्यंत कमज़ोर है और वर्तमान फसल भी काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित कई अन्य एजेंसियां देश में 355 से 360 लाख गांठ उत्पादन होने का अनुमान देख रही हैं, लेकिन पूरे कॉटन सीजन में मानसून से लेकर अक्टूबर माह तक शुरू ही बरसात के साथ साथ उत्तर व दक्षिण राज्यों में पिंक वर्म हमले से हुए नुकसान, जो गुलाबी सुंडी है उससे हुए नुकसान का जो ठीक ठीक आंकलन किया जाए तो उत्पादन में करीब 50 लाख गांठ कम होने की आशंका जताई जा रही है। इस समय कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 45 लाख गांठ के आसपास है, जो जीनर्स ऑफ स्टॉकिस्टों के पास हो सकता है। पिछले साल की तरह इस बार भी निर्यात में वृद्धि होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते हाजिर बाजार की जो मंडियों में बड़े स्तर पर खरीददारी चल रही है। यह पहली बार है कि अक्टूबर का पूरा माह निकल जाने के बावजूद अभी तक CCI जैसी सरकारी एजेंसियों को कॉटन खरीदने के लिए बाजार में उतरने का अवसर नहीं मिला है। उत्तर भारत की लगभग सभी मंडियों में बीटी नरमा कपास के भाव 8,400 लेकर 9,050 रुपये तक देखे जा रहे हैं और लगातार इसमें जो है 1 से 2% की 3% तक 5% तक तेजी देखी जा रही है, जबकि देसी कपास के भाव 8,000 को छू रहे हैं। ये सारा अध्ययन संकेत करता है कि आने वाले दिनों में नरमा कपास के हाजिर बाजार में अच्छी तेजी देखने की संभावना मिल सकती है और ये जो भाव है वो 10,000 के पार जा सकते हैं। दिवाली से या दिवाली के बाद तक 10,000 से पार जाने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, आने वाले समय में इसमें तेजी कितनी रह सकती है, इसके ऊपर हम दिवाली वाले दिन या दिवाली के अगले दिन वीडियो डालकर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आने वाले हफ्ते में तेजी के क्या भाव रह सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपनी कपास बेचने से पहले हमारे चैनल के ऊपर वीडियो जरूर देखें ताकि आपको जो ताज़ा भाव का पता चल सके, और आने वाले समय में भी हम अच्छी अच्छी जानकारी अपलोड करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।